नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट ट्रिक इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल में कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी और के एग्ज़ाम एनटीपीसी और ग्रुप डी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर बहुत सारे लोग चिंतित है और उनके मन में जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस है एग्ज़ाम को लेकर, मतलब कि उनकी एग्ज़ाम कब होगी तो कौन सी एग्ज़ाम पहले होगी, एनटीपीसी होगी या ग्रुप डी होगी। और ग्रुप डी के साथ जो छात्र है उनका कहना है कि को उनकी जो जिन लोगों का जो रिजेक्ट एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हुआ था, उनका कहना है कि मॉडिफिकेशन लिए कब तक आएगी या आएगी कि या नहीं आएगी। तो इन सारी सवालों के जवाब दोस्तों आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को देखते रहिए और आपके सारे डाउट जो है वो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ये सारे मेरा जो कहना है वो बताऊंगा दोस्तों, वो आपको 100% प्रूफ के साथ बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक न्यूज़ जो है वो दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। तो इस डेट जो है उस ये न्यूज़ की जो डेट है दोस्तों वो है 17 सितंबर 2019। अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा दोस्तों तो 17 सितंबर 2019 यह वह डेट है जिस वक्त आपकी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज को लेकर कोई भी बात नहीं चल रही थी और सभी लोगों को पता लग रहा था कि TCS ही आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, तब की ये न्यूज़ है दोस्तों। और ये न्यूज़ जो है वो आई है आरआरबी बिलासपुर की तरफ से, मतलब दैनिक भास्कर जो है उनके जो कुछ रिपोर्टर होंगे उन्होंने आरआरबी बिलासपुर को विज़िट किया और वहाँ के ऑफिसरों से बात की और वो इंटरव्यू लिया और वो इंटरव्यू के बाद उन्होंने अपनी न्यूज़ जो है वो प्रकाशित की। चलिए देखते हैं इस जो उनकी न्यूज़ है इसमें उनका क्या कहना है। तो इस वीडियो का जो इस जो न्यूज़ का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी। तो यहाँ से पढ़िए दोस्तों, रेलवे के अफसरों का कहना है कि देश भर में एक साथ परीक्षा आयोजित की जाएंगी। जी हाँ, एक साथ आयोजित की जाएंगी। आवेदनों की संख्या ज़्यादा होने से परीक्षा के आयोजन में तैयारी में समय लग रहा है। जी हाँ, हम लोग सभी समझ सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा में, इसीलिए रेलवे को एग्ज़ाम कराने में देरी लग रही है। उसके बाद उन्होंने बताया दोस्तों कि संभावना है कि दिसंबर जनवरी में परीक्षा होगी। तो यह न्यूज़ में उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम होगी। ओके, तो इस न्यूज़ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट जो है दोस्तों वो है यहाँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर एक दीपक गुप्ता का नाम है, जो दीपक गुप्ता जो कि है ये है आरआरबी बिलासपुर के चेयरमैन। तो आरआरबी बिलासपुर के जो चेयरमैन हैं दोस्तों उनकी तरफ से ये साफ साफ क्लियर किया हुआ है, सितंबर जो मंथ है उसमें क्लियर हो किया गया है कि आपकी एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर जनवरी में होगी। दोस्तों ये न्यूज़ जो है ये आरआरबी बिलासपुर के चेयरमैन जो है वो दीपक गुप्ता उनकी तरफ से बताई गई है, मतलब ये दोस्तों ये न्यूज़ फेक नहीं हो सकती और 100% आपके जो एग्ज़ाम है या दिसंबर जनवरी में ही होने वाले हैं दोस्तों। मतलब दीपक गुप्ता सर जो है उनको पता था कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो चेंज होने वाली है और नई एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देने में लगभग 1 से 2 मंथ का जो टाइम है वो लगेगा और इसकी वजह से आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो दिसंबर जनवरी में होगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आपको यहाँ से पता चल गया कि आपकी कौन सी आपकी जो एग्ज़ाम है वो कब होगी, आपकी एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी में होगी दोस्तों। इस न्यूज़ के पब्लिश होने के बाद रेलवे की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को लेकर या ये जो नोटिफिकेशन आया था इसमें उन्होंने बता दिया कि उनको एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो चेंज करनी है। साथ ही साथ उन्होंने जो पिछली जो रेलवे की तरफ से जो परीक्षा आयोजित की गई थी उनका ऑफिशियली डाटा जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है कि कितने लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया था, कितने दिन एग्ज़ाम चली थी, ठीक है, और आने वाली एग्ज़ाम कौन कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को लेकर न्यूज़। उसके बाद दोस्तों जब ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज को लेकर न्यूज़ प्रकाशित हुई थी उसके बाद NDTV ने एक न्यूज़ प्रकाशित की दोस्तों। NDTV आप सभी लोगों को पता ही है, NDTV के जो पत्रकार है रवीश कुमार उनको हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि NDTV की तरफ से जो नीड्स जो आपको दी गई है
ये 100% जो है वो करेक्ट है दोस्तों, इस न्यूज़ पर हम भरोसा कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहना है इस NDTV के इस न्यूज़ में, क्या बताया गया है देखते हैं। यहाँ साफ साफ बताया गया है दोस्तों, थ्रू दो द ऑफिशियल डिड नॉट कंफर्म द RRB NTPC एग्जाम डेट, इट कैन बी एक्सपेक्टेड इन नवंबर दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, मतलब ऑफिशियली यहाँ पर आपको डिक्लेयर नहीं किया गया है कि आपके एग्ज़ाम कब होगी, लेकिन आपकी एग्ज़ाम जो है कब होने की संभावना है, आपके एग्ज़ाम जो है नवंबर दिसंबर में ही होने वाली है दोस्तों। तो ये जो आप दैनिक भास्कर की न्यूज़ और ये NDTV की न्यूज़, ये साफ साफ इशारा कर रही है दोस्तों कि आपकी एग्ज़ाम जो है वो नवंबर दिसंबर में ही होगी। तो आप यहाँ से दोस्तों आपको पता चल गया कि कोई भी न्यूज़ आएगी को यूट्यूब की तरफ से या कोई भी न्यूज़ चैनल या न्यूज साइट की तरफ से कोई भी न्यूज़ आएगी, आपको उस पर भरोसा करना नहीं है, उसमें फंसना नहीं है। और आपको साफ साफ क्या पता चल गया है कि आपकी एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होगी, ठीक है दोस्तों। इसकी तरफ से और एक न्यूज़ जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वन इंडिया की तरफ से ये वेबसाइट है जिन्होंने एक न्यूज़ पब्लिश की थी कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंट्स की जो प्रोसेस है, इट वुड टेक 1 or 2 months। देखिए दोस्तों क्या कहा है, मंथ और टू मंथ, दिस प्रोसेस विल कुड टेक एटलीस्ट मंथ और टू। मतलब यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि आपकी एग्ज़ाम जो है इसको एक से दो मंथ का टाइम लगेगा। तो तब तक 1 से 2 months जाने के बाद आपका नवंबर दिसंबर या जनवरी का मंथ आने वाला है, तब भी आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएंगी। और इसके बाद चलिए दोस्तों, जब ECA मतलब एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी की मीटिंग जो है वो कंप्लीट हुई थी, उनके एग्ज़ाम सक्सेसफुली जो हुई थी, उसके बाद रेलवे ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है देखो, देखते क्या कहा है देखते हैं। द प्रेजेंटेशन वाज फॉलोड बाय इंटरेक्टिव सेशन विथ चेयरमैन ऑफ RRB रिक्रूटमेंट बोर्ड। मतलब इस जो मीटिंग हुई थी ECA की, उसमें RRB के जो चेयरमैन थे वो भी प्रेजेंट है दोस्तों, ओके। तो इस जो नोटिस है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको बता देने वाला हूँ। इस नोटिस में आपको क्लियर किया है कि आपकी कौन सी एग्ज़ाम होगी। तो देखिए दोस्तों, द रेलवे इज एक्सपेक्टेड टू फ्लोट टेंडर फॉर सेलेक्टिंग द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसीज फॉर होल्डिंग द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन मतलब आने वाले एग्जामिनेशन दोस्तों, ओके। तो कौन सी एग्ज़ाम है, वह है आपके एग्ज़ाम नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एंड मिसलिनियस कैटेगरीज। मतलब रेलवे ने ECA की वजह से कौन सी एग्ज़ाम डिले की है, वह है आपकी NTPC की एग्ज़ाम। मतलब जब कभी भी उनका ECA को लेकर फाइनल डिसीजन हो जाएगा, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी उनकी फाइनल हो जाएगी, तब आपकी कौन सी एग्ज़ाम जो है वो होने वाली है दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम जो है वह NTPC की एग्ज़ाम होने वाली है दोस्तों, ओके। तो आपको पता चल गया होगा कि आपकी एग्ज़ाम जो है वो नवंबर दिसंबर में होगी, और साथ ही साथ कौन सी एग्ज़ाम पहले होगी, वह होगी एग्ज़ाम आपकी NTPC की एग्ज़ाम। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, आपका जो ग्रुप डी के जो लोग हैं जिनका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट किया गया था, उनके बारे में। वो सभी लोग जिनका एप्लीकेशन स्टेटस रिजेक्ट किया हुआ है, उनके बारे में ये आपका एक सवाल है, उसका जवाब आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको सभी को लोगों को पता ही है, जैसा कि दोस्तों ग्रुप डी के जो फॉर्म है रिजेक्ट होने का, बहुत सारे लोग थे, कैंडिडेट थे, उन्होंने इस पर कुछ अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई। उस कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद रेलवे ने RRB ने यह डिसीजन लिया कि जिनके एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट किए हैं, उनको कुछ एक मौका दिया जाएगा। तो उस मौका देने के पहले उन्होंने ये जो नोटिस है आपके सामने जो दिख रही है, नोटिस उन्होंने पब्लिश की थी, और इस नोटिस में साफ साफ आपको बता दिया गया है। क्या बताया गया है दोस्तों, तो इस नोटिस का सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखिए दोस्तों, ये है फोर्थ नंबर का पॉइंट। मतलब इन्होंने नोटिस पब्लिश की कि आपको एक मौका दिया जाएगा, ठीक है, और मौका दिया जाने के बाद क्या होगा, तो ये है वह फोर्थ पॉइंट जिसमें क्या कहा हुआ है। देखिए दोस्तों, द डिसीजन ऑन ग्रीवेंसेस विल बी फाइनल। मतलब आप जो कुछ कंप्लेंट जो दर्ज करवाएंगे थ्रू लिंक, जो लिंक आपको मिलेगी उस लिंक के थ्रू जो आप कुछ बताएंगे, वह डिसीजन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन कैंडिडेट्स।
बाइंडिंग ऑन कैंडिडेट्स मीन्स मतलब ये आपके ऊपर बंधनकारक रहेगा दोस्तों, आप इसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते। आप हाल ही में देख रही है कि बहुत सारे लोग दिल्ली में या यूपी बिहार में उनके उनके आरआरबी में प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों कि उनको मॉडिफिकेशन लिंक दी जाए, लेकिन आरआरबी ने उनको पहले ही इस नोटिस में बता दिया गया है कि द डिसीजन ऑन ग्रीवेंसेस विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन कैंडिडेट्स। मतलब उस लिंक के थ्रू आप जो कुछ आरआरबी को बताएंगे वह फाइनल होगा और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे दोस्तों। मतलब आप इस लिंक के बाद जिन लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है वो उनके फॉर्म एक्सेप्ट है, और जिनके फॉर्म रिजेक्ट है उनके रिजेक्ट ही रहेंगे लोगों दोस्तों, और कोई भी मॉडिफिकेशन की लिंक जो है वह एक्टिवेट नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है, मैंने सब सारी चीज़ें आपको प्रूफ के साथ बता दी है। अब आपके मन में कोई भी सवाल जो है वो बाकी नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपके सभी सवाल के जवाब जो है दोस्तों दिए है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होगी। ये दिसंबर में हुई आपको 100% क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, सही है ये न्यूज़, क्योंकि यह जो न्यूज़ है वो आई है आरआरबी बिलासपुर के चेयरमैन दीपक गुप्ता की तरफ से। ठीक है, दीपक गुप्ता की तरफ से आई है, और साथ ही साथ एनडीटीवी जो है उन्होंने ही ये बात बताई। एनडीटीवी के पत्रकार जो है रवीश कुमार, उनको जो 11 मैगसेसे अवार्ड से नवाजित किया गया है। मतलब एनडीटीवी एक ट्रस्टेड चैनल है और इनकी न्यूज़ पे हम भरोसा कर सकते हैं। मतलब और इन्होंने भी बता दिया है, इन्होंने भी बताया कि आपकी नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगी। और इसके बाद ये एक साइड है, इन्होंने ही बता दिया है कि दिस प्रोसेस विल टेक 1 or 2 months, 1 or 2 months लगेंगे। मतलब आपकी एग्ज़ाम जो है वह नवंबर दिसंबर में ही होगी। और साथ ही साथ रेलवे ने एक जो नोटिस दी थी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को लेकर, उसकी जब मीटिंग हुई उस मीटिंग के बाद इन्होंने जो नोटिस पब्लिश की ये आपके सामने यहाँ पर दिखाई गई है, और यहाँ पे बताया गया है कि एनटीपीसी एग्ज़ाम जो है आपकी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनल होने के बाद की जाएंगी। ओके, तो इसके बाद आरआरबी ग्रुप डी का जो मॉडिफिकेशन है उनको लेकर जो आपके मन में सवाल थे कि मॉडिफिकेशन लिंक आएगी या नहीं, हम इतना सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में या आप अपने आरआरबी में जितना सारा विरोध कर रहे हैं मॉडिफिकेशन को लेकर के हमको मॉडिफिकेशन लिंक दी जाए, तो दोस्तों आपको यहाँ कोई भी मॉडिफिकेशन लिंक नहीं मिलने वाली है। जो एक चांस आपको दिया गया था वो चांस ही आपका फाइनल था, उसके बाद आपको इस पर कुछ नहीं कर सकते। मतलब जिनके फॉर्म रिजेक्ट है उनके फॉर्म अभी रिजेक्ट ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं किया हुआ। तो दोस्तों ये थी आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपी से बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। इसी तरह के जो करेक्ट न्यूज़ है वो आपको अगर आपको चाहिए होंगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। मतलब जब कभी भी मैं आपको 100% ट्रू जब न्यूज़ दूंगा तब उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।